गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम नाउ गोइंग टू टेल यू अबाउट चैप्टर 4, स्क्रीन एलिमेंट ऑफ एमएस वर्ड 2013। एमएस वर्ड 2013 के स्क्रीन तत्व। टाइटल बार, इट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन। टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट एंड करंट प्रोग्राम। इट इज ऑल्सो कंटेन मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। इट ऑल्सो कंटेन्स द क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें शीर्षक यानी पट्टी, टाइटल मीन्स शीर्षक पट्टी, यह स्क्रीन के शीर्ष पर दिखाई देता है, ठीक है। फिर टाइटल बार, वर्तमान दस्तावेज और वर्तमान कार्यक्रम का नाम प्रदर्शित करता है, जिसमें मिनिमम मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, यानी जो हमारी क्लोज बटन भी होता है। इसमें क्विक एक्सेस टूल बार भी है। अब हम बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार की। इट प्रेजेंट टाइटल बार, इट हेल्प्स अस टू कमांड टास्क विथ जस्ट वन क्लिक। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं क्विक एक्सेस की, यह टाइटल बार पर मौजूद होता है। यह केवल एक क्लिक के साथ कमांड कार्य करने में मदद करता है। अब बात करते हैं रिबन मीन्स फीता। द रिबन कंटेंस ऑफ 3 पार्ट्स, टैब्स, ग्रुप एंड कमांड्स। ईच टैब कंटेंस कमांड अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप्स। ये हमारे फीते में क्या है, टैब रिबन के शीर्ष पर रखे जाते हैं। प्रत्येक टैब से संबंधित कमांड का समूह होता है। जो हमारा ये रिबन है, रिबन का 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, टैब्स, ग्रुप और कमांड हो गए। ये 3 हो गए हमारे जो भाग हैं। अब और प्रत्येक टैब में विभिन्न समूहों के कमांड की व्यवस्था की जाती है। अब हम बात करते हैं कमांड की व्यवस्था होती है, टैब्स की बात करते हैं। टैब आर प्लेस एट द टॉप ऑफ द रिबन, इज द कंटेंट्स ग्रुप ऑफ द रिलेटेड कमांड। टैब रिबन के शीर्ष पर रखे जाते हैं। प्रत्येक टैब में संबंधित कमांड का समूह होता है। ग्रुप्स, ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ द टूल्स अवेलेबल ऑन द रिबन। दिस टूल कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक टैब इज सेलेक्टेड। अब हम बात करते हैं जब ग्रुप्स यानी समूह की रिबन पर उपलब्ध टूल के बारे में। हमारे संग्रह को समूह करें। इन उपकरणों का उपयोग तब किया जा सकता है जब आप किसी विशिष्ट टैब का चयन किया जाता है। कमांड्स, कमांड्स मीन्स आदेश। कमांड्स आर अरेंज इन ग्रुप्स। अ कमांड्स कैन बी अ बटन, अ मेन्यू इज बॉक्स वेयर यू एंटर द इंफॉर्मेशन। कमांड को समूह में व्यवस्थित किया जाता है। एक कमांड का एक नए या एक बॉक्स पर एक बटन का बटन हो सकता है, जहां आप जानकारी दर्ज करते हैं। अब डॉक्यूमेंट एरिया यानी दस्तावेज क्षेत्र। दिस इज अ लार्ज वाइट स्पेस टू टाइप टेक्स्ट। यह पार्ट लिखने के लिए एक बड़ा सफ़ेद स्थान है। कर्सर, द ब्लिंकिंग लाइन ऑन द डॉक्यूमेंट एरिया इज कॉल्ड द कर्सर। इट हेल्प द पोजिशन ऑफ टाइप्ड टेक्स्ट। कर्सर दस्तावेज क्षेत्र पर ब्लिंकिंग लाइन को कर्सर कहा जाता है, जो टाइप किए गए पार्ट की स्थिति बताता है। स्टेटस बार, इट डिस्प्ले अ पेज नंबर, नंबर ऑफ वर्ड, जूम ऑप्शन, etc। अब हम स्टेटस बार की बात करते हैं। ये शब्दों को, पृष्ठ संख्या, संख्या, जूम विकल्प आदि को प्रदर्शित करता है। अब हम अगर बात करते हैं रूलर, रूलर मीन्स शासक। दीज कीप ट्रैक द पेज मार्जिन्स, हाइट एंड विथ ऑफ द पेज। जो हमारा रूलर है वो क्या है, ये पेज मार्जिन की ऊंचाई और पेज की चौड़ाई पर नज़र रखते हैं। एंटरिंग द टेक्स्ट यानी पाठ सम्मिलित करना। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाइल टाइपिंग ऑफ टेक्स्ट यू विल सी द वर्ड रैप द टेक्स्ट ऑटोमेटिकली। माइक्रोसॉफ्ट शब्द में पाठ लिखते समय आप देखेंगे कि शब्द पाठ को स्वचालित रूप से लपेटता है। रैपिंग द टेक्स्ट मीन एंड दैट इफ द टेक्स्ट डज नॉट फिट द करेंट लाइन देन वर्ड शिफ्ट इट टू नेक्स्ट लाइन द डिफॉल्ट। रैपिंग यानी पाठ को लपेटने का अर्थ है, यदि आप वर्तमान पंक्ति से फिट नहीं होता है तो शब्द इसे डिफॉल्ट रूप में अगली पंक्ति में स्थानांतरित कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।